हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग ना, आप देख रहे हो, कहीं जा रहे हैं। अभी सुबह के ना 8:15 हुए हैं और मैं और अमित कहीं जा रहे हैं। वैसे तो प्लान काफ़ी लोगों का था, लेकिन वही है ना कि मतलब जिसका संजोग जो संजोग बनते हैं वही जा पाते हैं। तो किसी न किसी रीजन से सबका कैंसिल होता गया होता गया, और एट द एंड सिर्फ सुबह तक हम दो ही बचे जाने के लिए। यहाँ हम ये रुके हुए हैं, अभी थोड़ा सा गायों को चारा डाल रहे हैं और फिर निकलते हैं आगे, आपको बताते हैं। और अभी मैंने ये सूट पहना हुआ है, बंदेज वाला रेड कलर का, जो मैंने बाड़मेर वाले सूट्स का हॉल वीडियो डाला था, उसमें जो सबसे लास्ट में बताया था ना बंदेज वाला सूट, तो ये वो वाला मैंने पहना। इसका कुछ इस तरह से इसका नेक बनवाया है। फुल सूट मैं आपको दिखाऊँगी बाद में, दिखाऊँगी जब भी उतर के पूरा लेंगे। और आगे का अपडेट देते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग गैस करना। मैं कुछ कुछ इसमें हिंट्स देती रहूँगी, तो काफ़ी लोग तो खैर कर ही लेंगे गैस कहाँ जा रहे हैं। आप भी वही रहें। ये कुछ व्यू है, आपको दिख रहा होगा सैंड ड्यून्स, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कौन सा पार्ट है हमारे राजस्थान का। लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी ऊपर फोटो शूट के लिए, दिख रहा है। सो गाइज, ये देख सकते हैं, आपको सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, धोरे दिख रहे हैं मिट्टी के, लोग चढ़े हैं ऊपर, ऊँट भी है देखो वहाँ पे, ऊँट की सवारी भी हो रही है ऊपर तक। तो ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे सैंड ड्यून्स, थोड़ा सा साफ सा धोरा है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग उतर गए हैं और फोटोशूट के लिए और वीडियोस के लिए। बहुत ही शानदार नज़ारा और सुंदर सा व्यू है, पर इतने ज़्यादा साफ धोरे नहीं जितने जैसलमेर के हैं ना। ये हम लोग बता देते हैं कि हम लोग रामदेवरा जा रहे हैं, तो ये बीच का रास्ता है। अभी कौन सा एरिया, पोखरण से 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, पोखरण आने वाला, पोखरण से थोड़ा सा 50 किलोमीटर पहले का है, तो काफ़ी जगह लोग रुके हुए हैं। और ये ज़्यादातर मोस्टली मतलब 80% गुजराती हैं। और ये RTO ने हमारे रोड रोक लिए, किसी को भेड़ चाल कहते हैं। एक जना जाता है उसके पीछे पीछे सारे सर नीचे डाल के रवाना। अरे पोखरण आ चुका है। हाय गाइस, सो अभी 11:15 हुए और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमने एंटर कर दिया रामदेवरा में। हम लोग बंद कर दो क्या? नहीं नहीं अभी करना नहीं। तो हम लोग बस अब पार्किंग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है संडे की वजह से, और बहुत सारी गाड़ी आई हुई है मोस्टली, तो मतलब 80% आप समझ लो गुजरात की है। फिर अपने जोधपुर की काफी है, संडे है ना, तो जोधपुर से भी काफी लोग आए। और कल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था, क्योंकि कल बाबा की बीज थी, तो उस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी। अपने वाले आ गए कल तो मोस्टली, हाँ जोधपुर वाले तो मोस्टली कल आ चुके हैं, लेकिन ये जो भी दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं वो लोग आज पहुँच रहे संडे को भी। और माहौल दिखाती हूँ मैं आपको। एज यू कैन सी, गुजरात की और MP की सब जगह की बसेस भर के आई है। पीछे कितने, पांच बस तो पीछे खड़ी है, और फिर आगे की ये देखो सारी की सारी बसेस। मुझे लग रहा है यार बहुत टाइम लगने वाला है, घंटा लगेगा। अब मुझे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो क्या लड़कियां आई है क्या, कोई कॉलेज बस है? मुझे लग रहा है कॉलेज की है, सारे बच्चे लड़कियां हैं। तो एक की बस से सिर्फ लड़के और लड़कियां निकले हैं, तो मुझे लग रहा है कोई कॉलेज वॉलेज का टूर था कि क्या ही है। यहाँ मुझे लग रहा है कोई बहुत है ना, मतलब वो ट्रिप्स नहीं करवाते हैं वो है। और एक बस में सारे एजेड लोग बैठ गए, एक में सारे लड़के लड़के को डाल दिया होगा ने? ये आपने क्यों खोला, क्यों पूछूंगा यार कितना दूर है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पूछ रहे हैं कि पार्किंग कहाँ होती है, तो कह रहे हैं कि पास ही हो जाएगी पार्किंग। काफी ज्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है। पर यार वहां से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी टूटी हुई रोड, घर तो कुछ नहीं बंद पड़ा है। अंदर की है कहीं आगे? आगे क्या है, अंदर पार्किंग के लिए ग्राउंड है, ले लो ना। तो कार बेटे ये तो ये कोई धाम वाम है, उसके अंदर हमारी एंट्री करवा रहे बेचारे लोग बैठे, उनको उतार दिया ताकि पार्किंग के कुछ पैसे मिल जाए इनको। खैर जो भी है ठीक है, अब हॉर्न बजाओ ना, फिर उसको क्या करोगे हॉर्न का। कोई कार ही नहीं है अपने को, क्यों घुसा है वो, थोड़ी आगे कर दो ना आगे, यहाँ पे तो कोई खाना वाना बना, उधर साइड में कर दो। सो हमारी कार पार्किंग हो चुकी है, और अब निकलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ, दर्शन करवाते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं पैदल, है धूप काफ़ी तेज़ है, कह रहे काफ़ी भीड़ है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आधे घंटे में नंबर आ जाएगा दर्शन के लिए, तो लेट्स सी।
सो गाइज ये है रामदेवरा की गली। हम लोग पहुंच चुके हैं रामदेव जी के मंदिर, और मंदिर के आगे लगा हुआ है जूतों का ढेर। मुझे नहीं लगता किसी को जूते वापस मिलने वाले हैं अपने। सो आप क्या कर सकते हैं ना, कभी जाओ तो जो भी यहाँ पे बाहर प्रसाद की दुकानें लगी हुई है इस इनके अंदर है ना, इनके पीछे की तरफ एक रूम रखा रहता है, आप वहाँ पर जाके जूते उतार लीजिए, आपके एकदम सेफ रहेंगे। और उस दुकान वाले से बस वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं प्रसाद, हाँ, तो फिर आपके जूते भी सेफ और प्रसाद भी ले लो, दो काम हो जाएंगे एक साथ। वैसे हम लोग हालांकि जोधपुर से प्रसाद लेके आए थे, बट फिर भी यार 100 रुपये के प्रसाद ले ली, ये भी खुश हो गए और हमारे जूते भी सेफ हो गए। तो अब हमने यहाँ पे मंदिर में एंट्री कर ली है, और एंट्री के साथ थोड़ी चेकिंग वैकिंग भी हुई थी हल्की फुल्की, लाइक इतना तो कुछ खास नहीं था, बट स्टिल ये कुछ लगा तो रखा ही था और स्कैनिंग वाला। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं भीड़ बहुत भयंकर है, और आपको देख के लग रहा होगा कि अब यहाँ पे 2-3 घंटे ही कोई चांस नहीं है दर्शन के लिए नंबर आने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लाइन बहुत अच्छे से लगा रखी, और आगे पुलिस वालों का कंट्रोल बहुत अच्छा था भीड़ को, लाइक अच्छे से मूव कर रहे थे वन बाय वन। मतलब भगवान ही, पुलिस वाले ना होते ना तो लोग मतलब क्या ही करते, क्योंकि कोई किसी की मानता तो है नहीं वैसे भी, तो हर जगह पुलिस की जरूरत है, लाइक भगवान के लिए भी पुलिस वालों को खड़े रहना पड़ता है। तो ये है द्वारकाधीश के दर्शन कर लीजिए। और ये छोटा सा बच्चा तो बहुत रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था लाइन में लगा हुआ कब से, क्योंकि बच्चों को गर्मी भी लग रही थी, इसने इनर भी पहना हुआ था, तो अच्छा हुआ हम लोगों को बाद में इतना रिग्रेट नहीं हुआ कि हम लोग पीहू को नहीं लेके आए। बोलो राम सा पीर की जय हो, की जय हो। और यहाँ हमारे दर्शन हो गए रामदेव जी बाबा की, प्रसादी हमने चढ़ा ली, और सब कुछ बहुत आराम से स्मूथली हो गया था, क्योंकि वो पहले पीछे से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी भीड़ है, लेकिन आ गया कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे बाहर लगी हुई है मार्केट, जिसमें मतलब बेसिकली हर दुकान पे सेम ही सामान मिल रहा था, लाइक चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने और ये माला वाला मोती की, तो सब कुछ हर शॉप में मोस्टली सब कुछ सेम था। और जो लोग मोस्टली बाहर से आ रहे थे उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और आसपास के गाँव वाले भी जो लोग आते हैं तो उनके लिए काफ़ी नया हो जाता है, एक मेले जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे आके वो अपनी नॉर्मली शॉपिंग कर लेते हैं, औरतें चूड़ियाँ वूड़ियाँ ले लेती है, बच्चे खिलौने ले लेते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब काफ़ी भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ था तो लंच का टाइम भी हो गया था। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ अपना सूट दिखाने की भीड़ के अंदर भी, तो ये वाला वो सूट है मैंने, इसके अंदर गोटा वोटा लगवाया है चुन्नी पर भी और नेक में भी और स्लीव्स में भी। तो आप बताना आपको ये सूट कैसा लगा, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी कम्फर्टेबल था, पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था, कॉटन का था जैसे कि। और हमने लंच किया। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बिना 2 बज रहे हैं और हम लोग रामदेवरा से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ओसिया जी, ओसिया माता मंदिर, रामदेवरा से 122 किलोमीटर है और हमें शायद 2 घंटे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी 2 बज रहे हैं, 4 बजे तक हमें उम्मीद है कि हम लोग पहुँच जाएंगे, और थोड़ा टाइम लग गया हमें, 2.5 घंटे लग गए यहाँ पे, क्योंकि हमने लंच भी किया, बहुत अच्छा लंच था यहाँ पे। कौन से, बाबा रामदेव होटल थी, बाबा रामदेव करके होटल थी, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना था, हमने थाली ली थी, ऊपर से छाछ भी ली, अब तो इतना फुल हो चुका है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। और थोड़ा सी भीड़ भी थी तो थोड़े से दर्शन करने में भी टाइम लग गए थे, पर अच्छे से हो गए थे एट द एंड, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। कुछ पीहू के लिए सामान ले लिया, लाइक कुछ टॉयज ले थे, उनकी क्वालिटी खैर इतनी है बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट ठीक है, बच्चा हमारा एक बार के लिए खुश हो जाएगा कि मम्मी पापा कहीं गए हैं बाहर और कुछ तो नहीं गए हैं, थोड़े दिन 4 दिन ही खेल लेगी, तो उसके लिए कुछ 2-4 आइटम वो लिए, बाकी तो खैर हमने कुछ भी नहीं लिया। और हाँ, हमने एक वो लिया है चकला मार्बल का, हम एक बार और आए थे तब भी हमने लिया था, और इस बार भी हमने वही लिया, तब हमने किसी और के लिए लिया था और हमें लगा कि अब हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि वो लकड़ी वाला जो चकला होता है वो मतलब गाय आ गई थी, जो लकड़ी वाला होता है ना वो कट कट बहुत बजता है, उसके नीचे हमेशा कपड़ा रखना पड़ता है, फिर भी वो मतलब पर ये पत्थर का होगा ना, मार्बल का हैवी वाला, तो इससे थोड़ा ईजी रहता है, तो हमने वो लिया है, और बस हमने यही लिया है। और हम यहाँ से भूसे जा रहे हैं, और वापस हमें थोड़ा टाइम से पहुँचना है घर पे, घर आने से पहले हम लोग पहुँच जाए तो ठीक रहेगा, बस दैट्स इट। और अब आपको सीधा मंदिर पहुँच के मिलते हैं और दर्शन करवाते हैं माता जी के। बस 2 मिनट बाकी है और कुछ मीटर्स और हम लोग पहुंच चुके हैं उसे ऑलमोस्ट, और बस मंदिर जाने का है, हर जगह पुलिस खड़ी है, जाने नहीं देती है, तो रास्ता डाइवर्ट कर करके हम लोग पहुंच चुके। और हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी, और यहाँ पे आपको मोस्टली ओपन जिप्स दिख रही होंगे, ये वो क्या है कि यहाँ पे ओशिया जी में काफ़ी वो धो रहे हैं, मतलब मिट्टी के टीले वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो सफारी राइड्स होती है, जीप सफारी, तो उसके लिए आप रेंट पे ले सकते हैं और जा सकते हैं।
और फिर हम फटाफट से मंदिर की तरफ बढ़े आगे क्योंकि हमें वापस जल्दी निकलना था और काफ़ी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 4 तो बज ही गए थे, तो दर्शन करने में भी टाइम लगने वाला था क्योंकि बाहर से ही पता लग गया था कि भाई सब यहाँ पे भी बहुत भयंकर भीड़ है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ से ये जो भी ये बनाए हुए हैं रास्ते, तो यहाँ तो इतने खाली लग रहे थे, मुझे लगा एकदम आगे तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक बंदा भी नहीं दिख रहा था। और ये शायद कोविड की वजह से यहाँ पे ऐसे पार्टीशंस किए हैं और ये गोले बनाए हैं कि डिस्टेंस पे लोग खड़े रहें। तो हम लोग आगे पहुँचे और देखा भाई साहब इतनी भीड़ के लोग कह रहे थे कि दो तो तीन तीन घंटे भी नंबर नहीं आएगा, कोई बोल रहा है 4 घंटे नंबर नहीं आएगा, पता नहीं वो आते तो खुन्नस में बोल रहे होंगे कि 4 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए। तो एक बार तो हमने बीच में सोचा कि यार निकल ही जाते क्योंकि फिर इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें आगे भी कहीं जाना था, इसलिए हमें जोधपुर टाइम पे पहुंचना था। हेलो गाइस, तो हम लोग ना उषा माता जी के दर्शन करके निकल चुके हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हो गए थे दर्शन, मतलब एक घंटे में हम लोग पूरा दर्शन भी कर लिए थे, हम लोग पहुँच भी कर वापस भी रवाना हो गए। और लाइन बहुत ज़्यादा थी, मतलब भीड़ बहुत थी, संडे था शायद उसी वजह से होगी आज भी। और जो वहाँ पे थे मैनेजमेंट वाले वो तो सब बोल रहे थे कि 3 घंटे भी लगेंगे 4 घंटे भी लगेंगे, तो इस हिसाब से हमें लगा कि हम लोग या तो फिर प्लान ड्रॉप करते हैं और निकल जाते हैं बीच में से, लेकिन फिर किसी ने बोला कि नहीं 2 घंटे लगेंगे, फिर किसी ने बोला 1 घंटा लगेगा और फाइनली आधे घंटे में दर्शन हो गए थे। तो आधा घंटा आने जाने का और आधा घंटा हमारे दर्शन जो लाइन में लगे थे उसका, तो कुल मिला के हम लोग 1 घंटे में हो गया था हमारे दर्शन और बहुत आराम से। और अब हम लोग वापस निकल रहे हैं जोधपुर के लिए 5 बजे, तो शायद 1.5 घंटे हम लोग पहुँच जाएंगे। थकान तो दिख ही रही होगी बहुत भयंकर वाली, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि लाइन में लगना था, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ में, और बस यही है बाकी तो कुछ नहीं है। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, थोड़ी आँखें खुल जाएंगी। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको घर बैठे रामदेव जी के दर्शन कराए, उसे माता के दर्शन कराए, तो भगवान के लिए सही वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।